हेलो फ्रेंड्स, मैं सरोज, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सरोज का किचन में। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए नारियल की चटनी की रेसिपी। आप इसको इडली के साथ खाएं, डोसा के साथ खाएं, मेंदू वड़ा के साथ खाएं, सबके साथ बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बनाना तो बहुत ही आसान। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर नारियल लिया है, कच्चा वाला, इसको तोड़ लिया है। आप चाहें तो इसके काले वाले पार्ट निकाल सकते हैं, या आप ऐसे भी कोई टेस्ट में फ़र्क नहीं आता है। फिर मैंने एक कटोरी मूँगफली लिया है, छोटा कटोरी, हरा धनिया, रोस्टेड चना, आप ये मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाएगा। फिर मैंने लिया है अदरक लहसुन, अदरक को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और लहसुन की कलियों को मैंने छील लिया है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप स्किप भी कर सकते हैं। फिर थोड़े से कड़ी पत्ते, हरी मिर्च को मैंने तोड़ के ले लिया है। हरी मिर्च आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, जितना आपको तीखा पसंद है। मेरे घर में थोड़ा सा तीखा खाते हैं तो मैंने ज़्यादा लिया है। अब चलते हैं अगले प्रोसेस में। मैंने कि नारियल को ले लिया है, अब इसको छोटे छोटे टुकड़े में काट लिया है, जिससे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। आप चाहें तो इसके काले वाले पार्ट निकाल दें, अगर आप ना भी निकालें तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता टेस्ट में इससे, बस थोड़ा सा कलर में फ़र्क पड़ जाता है। तो इसको हम छोटे छोटे टुकड़े में काट लेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं किस तरह से काट रही हूँ। इसे पीसने में आसानी होगी और थोड़ा सा भूनने में भी आसानी होगी। इसको हम काट लेंगे, मैंने ऐसे ही सारे नारियल को हम काट लेंगे। अब हम क्या करेंगे, मैंने गैस पे रखा है एक पैन, पैन में डाल दिया है मैंने 1 चम्मच ऑयल। ऑयल को थोड़ा गर्म होते ही हम डाल देंगे अपना मूंगफली। मूंगफली को हम लो टू मीडियम फ्लेम पे थोड़ा फ्राई कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा इसको भून लेंगे। जैसे ही थोड़ा मूंगफली का जब कलर चेंज हो जाएगा, तब हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, अब इसमें हम डाल देंगे लहसुन और अदरक जो मैंने काट के लिया था। अदरक को मैंने इसलिए ही छोटा छोटा काटा था ताकि यहाँ पे थोड़ा भुनने में आसानी हो, जैसे कि आप देख रहे हैं। फिर यहीं डाल देंगे हम हरी मिर्च साथ ही में। फिर यहीं डाल देंगे हम अपना रोस्टेड चना। फिर यहीं डाल देंगे अपना कड़ी पत्ता। अब इसको अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। इसको भुनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसलिए मैंने अभी एक ही साथ डाल दिया। मूँगफली को थोड़ा सा भूनने में टाइम लगता है, इसलिए मैंने उसे पहले भूना। जैसे कि आप देख रहे हैं पहले से इसका जो कलर था चेंज हो चुका है, कड़ी पत्ते भी अच्छे से भून चुके हैं, लहसुन भी थोड़ा सा फ्राई हो चुका है। अब यही भी हम ऐड करेंगे अपना कटा हुआ नारियल जो मैंने काट के रखा था, जैसे कि आप देख रहे हैं। यहीं भी इसको हम डाल देंगे। नारियल डालने के बाद ध्यान रखें आपको ज़्यादा इसे फ्राई नहीं करना है, 1 से 1.5 मिनट इसको बस मिलाकर फ्राई कर लें। फ्राई नहीं, बस आप बोले तो इसको हम मिला लेंगे अच्छे से। यहीं पर ऐड कर देंगे हम हमें गड़ी को बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना है, इसके लिए हमने लास्ट में डाला। यहीं पर ऐड करेंगे हम स्वाद के अनुसार नमक। नमक आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं पीसते समय, पर यहाँ थोड़ा अच्छा रहेगा डाल देंगे तो। यही पे मैं ले रही हूँ 1/2 नींबू का रस, इसे बहुत चटनी में अच्छा टेस्ट आता है। इसको निचोड़ के डाल देंगे। डालने के बाद हम गैस को कर देंगे बंद। अब इसको अच्छे से हम मिला लेंगे। गैस को मैंने बंद कर दिया है। अब इसको हम क्या करेंगे, रख देंगे ठंडा होने के लिए, क्योंकि हमें इसे पीसना है तो ठंडा करना ज़रूरी है। यहाँ पर हमारा जो गड़ी है ठंडा हो चुका है, अब इसे हम डालेंगे रनिंग जार में। मेरे पास छोटा वाला रनिंग जार है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा पीस रही हूँ। अगर आपके पास बड़ा है तो एक ही बार पीस लें। फिर यहीं पर ऐड कर देंगे हम फ्रेश हरा धनिया। अब इसको बंद कर देंगे और पेस्ट बना लेंगे। सॉरी दोस्तों, मैं पानी डालना भूल गई, पानी आप ज़रूर डालें। पानी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, आपको चटनी जितनी गाढ़ी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, अपने चटनी को बाउल में निकाल लेंगे। देखिए मैंने कितना इसका स्मूथ पेस्ट बनाया है, एकदम अपना पेस्ट जो है
दर दर नहीं होना चाहिए। ऐसे ही जो बचा हुआ गाड़ी है उसको भी हम पीस लेंगे। मैंने दूसरा बैच पीस लिया है। आपको कलर में थोड़ा फर्क दिख रहा होगा क्योंकि हम लोग पहले हरा धनिया डाले थे और इस बार नहीं डाला मैंने। मेरे पास छोटा वाला था इसके लिए मुझे दो बार पीसना पड़ा। अगर आपके पास बड़ा वाला है तो एक ही बार सब पीस ले। अब चलते हैं तड़के की तैयारी में। मैंने गैस पर रखा है तड़का पैन, उसमें डाल दिया 1 चम्मच ऑयल। ऑयल को गर्म होते ही हम डाल देंगे इसमें सरसों। सरसों को थोड़ा सा चटक जाने देंगे, ज़्यादा नहीं बस थोड़ा सा। इसको चटकते हम क्या करेंगे कि इसमें ऐड करेंगे उड़द की दाल। चटनी में बहुत ही टेस्ट लेकर आता है, फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, सब ज़रूर डालें अगर है तो। इसको थोड़ा सा हम भून जाने देंगे ताकि इसका जो कलर है थोड़ा चेंज हो जाए और हमारी सरसों भी है वो भी थोड़ा अच्छे से चटक जाए। तो चलिए एक बार चेक करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं दाल का जो कलर है चेंज हो चुका है। यहीं पर ऐड कर देंगे हम कड़ी पत्ते, फिर यहीं पर ऐड करेंगे हम सूखी लाल मिर्च। अब गैस को कर देंगे बंद, गैस को तुरंत ही बंद कर दें वरना जल जाते हैं। अब चलेंगे तड़का लगाएंगे। ये लगा दिया मैंने तड़का। जैसे आप देख रहे हैं दिखने में कितना सुंदर लग रहा है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी है। तो आप एक बार इस चटनी को ज़रूर बना के ट्राई करें। मैंने आज मेंदू वड़ा घर में बनाया था और इडली, तो मैं दोनों के साथ सर्व करूँगी। मैंने अपने चैनल पर मेंदू वड़ा की रेसिपी दी हुई है, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं, बहुत ही आसान है। तो चलिए पहले सर्व कर लेते हैं इडली के साथ। जैसे कि आप देख रहे हैं दिखने में कितना टेस्टी लग रहा है। अब यहाँ पर सर्व कर लेंगे हम मेंदू वड़ा के साथ। जैसे मैंने आपको पहले बताया मेंदू वड़ा मैंने घर पर बनाया था, इसके लिए मैंने सर्व कर लिया। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो बाय दोस्तों।